दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रिसेंटली बाहर निकल कर आ रही है और अब यार यहाँ पर एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप भी हमें देखने को मिलने वाला है, तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर लो क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में विन प्रिडिक्शन, टॉस प्रिडिक्शन और फैंटेसी की टीम्स। पैसे अगर आप एक भी रुपया हारे तो फुल गारंटी है वापस हो जाएंगे, बट इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉप अपडेट्स की। सो पहली अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर। सो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर इंडिया का जो पहला प्रैक्टिस मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, वो यहाँ पर है ना धुल चुका है, जैसे धुला है यहाँ पर सपना आरसीबी का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का। बारिश काफ़ी थी तो यार यहाँ पर जो पहला मुकाबला है ना उसको ड्रॉ मान लो, कॉल आउट कह लो, कैंसिल कह लो, कुछ भी आप रीज़न कह लो, कैंसिल सबसे सिंपल वर्ड है और कैंसिल सबसे सिंपल भाषा है, कैंसिल ही ये मुकाबला हो चुका है। बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड एक प्रैक्टिस मुकाबला खेलने वाले थे, बट अब इंडिया का एक ही प्रैक्टिस मैच बाकी है जो कि नीदरलैंड से बचा हुआ है और फिर यहाँ पर इंडिया 8 अक्टूबर से करने वाली है अपनी जो जर्नी है उसका आगाज़। तो वहाँ पर उस जर्नी के लिए वो भिड़ने वाली है यहाँ पर 8 अक्टूबर से, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया की जहाँ बात आ जाती है तो इंडिया की सीरीज़ आप दोस्तों, इंडिया क्योंकि सीरीज़ वो जीत गई थी तो आप उसको ऐसा मत समझना कि ऑस्ट्रेलिया हल्के में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है। तो आपको रिसेंटली पता चल गया होगा टीम केकेआर जिसको ऑक्शन के अंदर प्राइम टारगेट मान रहे हैं, यानी जो कि मिचेल स्टार्क हैं, जो कि एक दूर का सपना ही है क्योंकि महंगे वो आने वाले हैं और सोने पे सुहागा उन्होंने तब कर दिया जब प्रैक्टिस मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक ले ली। तो हैट्रिक मुकाबले की भी क्लिप हमने हमारे टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, जिसने फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। हर एक मैच की लीक्स, क्लिप्स, प्रिडिक्शंस वगैरह सब फ्री में आते हैं, तो यार आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी क्लिप, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, वहाँ सबसे पहले आ जाती है। अब अगर मिचेल स्टार्क की बात हो रही है तो कैसे हम यहाँ पर श्रेयस अय्यर की बात ना करें? तो रिसेंटली श्रेयस अय्यर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसको भी हमने हमारे टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। सो क्या कहा था हमारे कैप्टन कूल श्रेयस अय्यर ने? तो जो भी उन्होंने इंग्लिश में कहा था मैं आपको वर्ड टू वर्ड पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने पर आपको यहाँ पर चीज़ें संभालनी पड़ती है, आपको सिचुएशंस अडॉप्ट करनी पड़ती है और वो यहाँ पर स्पिन भी खेल सकते हैं, फास्ट बॉलिंग भी खेल सकते हैं, दोनों को वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। साथ ही साथ वो आखिरी के 10 ओवर में भी जैसी टीम को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वैसी बैटिंग वो कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर यहाँ पर श्रेयस अय्यर की तरफ से दिख रहा है। अब टीम इनके साथ धोखेबाजी ना करे और फॉर्म में तो ये पूरे चल ही रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको कितने परसेंट चांस लगते हैं श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस वर्ल्ड कप बन रहे हैं। एंड अगली अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर किसको लेकर? एशियन गेम्स को लेकर। तो टीम इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप की जर्नी जब स्टार्ट करेगी उससे पहले ही टीम इंडिया के पास गोल्ड आ जाएगा, ऐसी हम सब उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब टीम इंडिया का जो मुकाबला है वो 3 अक्टूबर को होने वाला है। किससे होने वाला है? अभी क्वालिफिकेशंस बाकी है, बट क्वालिफिकेशंस का जो यहाँ पर क्वालिफायर है, शायद किससे टीम इंडिया का मुकाबला होगा वो शायद तक हमें आज मिल ही जाएगा, और आज नहीं मिला तो यार यानी कल तो मिल ही जाएगा। वैसे कल तो ड्राई डे है दोस्तों, तो आप सब लोग अपना अपना हिसाब देख लेना। तो मैं आप सभी को ये सब बता दूं कि यहाँ पर रिंकू सिंह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको और कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ का वेट है कि कब यहाँ पर वो और टीम पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर एशियन गेम्स के फाइनल में जाएं और रिंकू सिंह अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीते। रिंकू सिंह बहुत मेहनती लड़के हैं, हर जगह आप जहाँ भी जाओगे तारीफ सुनोगे, और साल 2023 के आईपीएल में अगर टॉप 10 पॉपुलर प्लेयर्स की बात करें, और टॉप 10 में भी हटा दें, टू बी वेरी प्रिसाइज, 5वें नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा फेमस बैट्समैन के अंदर रिंकू सिंह आ गए हैं। और ओवरऑल प्लेयर वो एज अ प्लेयर, फील्डर सब मिला दें तो पॉपुलैरिटी वाइज जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसमें वो 3रे नंबर के ऊपर प्लेयर स्टैंड आउट कर रहे हैं। सो यार देखना पड़ेगा कि रिंकू सिंह किस तरह से उभर कर निकलते हैं एशियन गेम्स के अंदर और टीम इंडिया के लिए फ्यूचर में वो क्या कर पाते हैं। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ टॉप 3 फिनिशर एट प्रेजेंट आपको टीम इंडिया के लिए अगर तैयार करने हो या तैयार हैं, या फिर प्लेइंग 11 में अगर आप खेलते हुए देखना चाहते हो टॉप 3 फिनिशर तो वो कौन कौन से होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।